तैयार होने वाली सैंडविच की रेसिपी। तो शुरू करें। मोनाको बिस्किट के इजी वाली सैंडविच तैयार करने के लिए एज यूजुअल मैंने 3-4 आलू ले लिए थे बॉईल किए हुए और उन्हें अच्छे से मैश कर लिया था। मैश करने के बाद मुझे इसका मसाला तैयार करना था क्योंकि इसकी जो सैंडविच की फिलिंग थी वो तैयार करनी थी। तो अब बारी आ जाती थी सारे मसाले ऐड करने की। तो मैंने यहाँ पर 1/4 कप जितनी प्याज, 1/4 कप जितनी शिमला मिर्च, उसी के साथ 1/4 कप जितना बारीक कटा हुआ गाजर ले लिया था। साथ ही में 2 हरी मिर्च, उसी के साथ बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 छोटे चम्मच जितना जीरा पाउडर, साथ ही में 1 छोटे चम्मच जितना चिली फ्लेक्स डाल दिए थे और उसी के साथ डाल दिया था 1 छोटे चम्मच जितना चाट मसाला, साथ में थोड़ा सा नमक और डाल दिया था। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया था। जैसे ही ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई, ले लिया था मैंने मोनाको बिस्किट का पैकेट और उसके अंदर से निकाल लिए थे मोनाको बिस्किट। बहुत ही इजी रेसिपी थी, बनाने में भी इतना ही मज़ा आया था और खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ा आया था। तो अब बारी आ जाती थी सैंडविच की फिलिंग लगाने की। तो मैंने जो मसाला तैयार किया था उसके छोटे छोटे से बॉल्स तैयार कर लिए और उसको प्रेस करके एक छोटी सी टिकिया सी तैयार कर ली थी। बिल्कुल मोनाको बिस्किट के साइज़ का ही मैंने उन्हें शेप दिया था और उसके बाद लगा दिया था बिस्किट के ऊपर, उसके बाद एक और बिस्किट लगा दिया और बन गई हमारी सैंडविच। पर हाँ, जो बाहर की तरफ आलू का मसाला आ रहा था ना, उसे प्रेस करके थोड़ा सा अंदर की तरफ कर दिया ताकि जो हमारी सैंडविचेस है वो बहुत सुंदर दिखे। उसके बाद सारे मसाले के मैंने जो बॉल्स थे वो तैयार कर लिए थे एक बार, क्योंकि वन बाय वन हम फटाफट से सैंडविचेस तैयार करेंगे। होता क्या है कि अगर हम ज़रा भी इसे ज़्यादा देर के लिए रख देते हैं ना बिस्किट के ऊपर, तो बिस्किट जो है हमारे सौगी से हो जाते हैं। तो थोड़ी सी स्पीड भी रखनी है हमें इस काम के लिए और बनाने के बाद ये स्नैक्स को इजीली ख़त्म भी कर देना है, ज़्यादा देर के लिए हम इसे छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पर मेरी जो सारे बॉल्स तैयार हो गए थे उसके बाद मैंने फटाफट से 2 बिस्किट के बीच में लगाने के बाद उसी की सैंडविचेस तैयार कर ली थी। तो ये लीजिए, सारी सैंडविचेस हमारी तैयार हो गई है। तो अब बारी आ जाती थी आउटर साइड की डेकोरेशन करने की। तो यहाँ पर मैंने केचप ले लिया था और केचप के अंदर जो सैंडविचेस तैयार की थी ना उसको हल्का हल्का सा डिप किया और उसके बाद मैंने उसको डिप कर दिया फिर से जो 0 नंबर की सेव आती है बिल्कुल बारीक वाली उसके अंदर, और इसको मैंने सारे बिस्किट को इसी तरह से करा था। पर हाँ, ध्यान रखिएगा इसमें ना ज़रूरत से ज़्यादा अगर डिप हो जाता है ना तो पूरे के ऊपर जो ये हमारी सेव है ना वो चिपक जाती है। तो हल्का हल्का सा ही डिप करना है। तो यहाँ पर मेरे लगभग सारे बिस्किट्स रेडी हो गए थे जिनको मैंने डिप कर लिया था। तो अब बारी आ जाती थी इन्हें डेकोरेट करने की। तो मैंने जो धनिया होता है ना उसकी पत्तियाँ रख दी थी सबसे पहले, उसके ऊपर थोड़ा सा केचप और फिर उसके ऊपर थोड़ी सी हरी चटनी रख दी थी। देखने में बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही टेम्पटिंग थे और बनाने में इतने ही आसान थे। बच्चों के लिए टी टाइम स्नैक्स या छोटी मोटी पार्टी के लिए ऐसे स्नैक्स बड़ी इजीली बन जाते हैं। तो बनाइए इसे और एंजॉय जरूर कीजिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।